पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शुक्रवार को यूएनजीए में भाषण होने के बाद यह अटकलें लगने लगी है कि इमरान खान की यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है। पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान के रवैये से नाखुश है। उसका मानना है कि कश्मीर मुद्दे को जिस तरीके से उठाना चाहिए था उसे ठीक तरीके से नहीं उठाया गया। पूरे मामले में इमरान खान ने अपरिपक्वता दिखाई है। इमरान खान संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में पूरा झूठा पुलिंदा पेश करने के लिए सभी सीमाएं लांघ गए और भारत के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए। यहां तक कि अपने भाषण में दुनिया में आतंकवाद फैलाने में अमेरिका को भी लपेट लिया और कहा कि विश्व में आतंकवाद फैलाने के लिए अमेरिका ने फंडिंग की। न्यूयॉर्क में एक टॉक के दौरान इमरान खान ने कबूला था कि पाकिस्तानी फौज और उनके मुल्क की जासूसी एजेंसी आईएसआई दोनों ने अलकायदा एवं अन्य आतंकी समूह को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया था। यही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई दोनों के संबंध अलकायदा और अन्य आतंकी समूह से थे। इमरान खान के इस बयान से पाकिस्तानी आर्मी खासी नाराज है। इमरान खान ने इस मौके पर राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाई और इसे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में खासी बदनामी हुई है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तानी आर्मी का साथ छोड़ देना है। आर्मी के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से किनारा कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान में यह चर्चा है कि पाकिस्तानी आर्मी माइनस प्लस वन प्लान के फॉर्मूले पर काम कर रही है। इमरान खान का तख्ता पलट हो सकता है। इसके तहत विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान का राजकोषीय घाटा 8.5% हो चुका है जो बदतर अर्थव्यवस्था को दर्शाता है और पाकिस्तान ने हद से ज्यादा लोन ले रखा है जिसको चुका पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। इमरान खान अर्थव्यवस्था को सुधारने में नाकाम रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर आतंकी संगठनों का सहयोग करने के लिए उसकी फंडिंग पर प्रतिबंध भी लग सकता है जिससे स्थितियां और भी बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि इमरान खान के लिए आने वाले 2 महीने बेहद कठिन साबित होने वाले हैं जहां पर उन्हें अपनी सरकार को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उनका यह भी मानना है कि देश की घरेलू समस्याओं से भटकाने के लिए इमरान खान बार बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को ज्यादा सहयोग नहीं मिला है। यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। मुस्लिम देशों ने ही पाकिस्तान को सलाह दी है कि अपने भाषण में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ज्यादा टारगेट नहीं करें। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर का कहना है कि देश की खराब आर्थिक हालत और घरेलू समस्याओं से भटकाने के लिए इमरान बार बार कश्मीर का नाम ले रहे हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग संदिग्ध चंदे को लेकर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मान्यता को रद्द कर सकता है। इमरान खान ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई है। यह पार्टी बलूचिस्तान में लापता 500 लोगों की रिहाई का दबाव बना रही है। ऐसा नहीं कर पाने पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। इस पार्टी के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने अक्टूबर में पाकिस्तान में मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने जेल में बंद नवाब शरीफ से भी समर्थन मांगा है। यानी कहा जा सकता है इमरान खान पर चारों तरफ से मुसीबत पड़ रही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।